जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है मोहित गुप्ता एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट आप देख रहे हैं निफ्टी बीएन चैनल आज है शनिवार 22 मई 2021 और स्वागत है आपका पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज़ के इस लेटेस्ट एपिसोड में जहां हम अपडेटेड इक्विटी एंड डेरिवेटिव डेटा को एनालाइज करेंगे और आने वाले दिनों की रेंज एंड मार्केट पोजिशन को असेस करेंगे अगर आप भी अपने जैसे ट्रेडर्स की कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर ऑप्शन स्ट्रेटजीज डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्कस निफ्टी टाइप करो टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में और बेस्ट फ्रेंडली ट्रेडिंग कम्युनिटी को ज्वाइन करो निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स ने फ्राइडे को बहुत ही धमाकेदार बुल कैंडल बनाई डेली स्केल पर जिसके साथ ही पिछले तीन दिनों के लोअर हाइज एंड लोअर लोअर्स के फॉर्मेशन को भी ब्रेक कर दिया गया इतना ही नहीं निफ्टी फिफ्टी में मूव इतना जबरदस्त था कि पंद्रह का नियर टर्म हर्डल भी ब्रेक कर दिया गया अब अगर ये पंद्रह दो सौ पचास के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो पंद्रह तीन सौ छत्तीस एंड पंद्रह चार सौ इकतीस के नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ओपन हो जाएंगे अगर हम चार्ट को ध्यान से देखें तो ब्रेकआउट देने के बाद इंडेक्स ने ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया है जो दिखाता है कि ये ट्रेंड लाइन अब डायनेमिक्स सपोर्ट की तरह काम कर सकती है अगर निफ्टी रेंज बाउंड कंसोलिडेशन दिखाता है आज का लो जो कि फोर्टी नाइन एट्टी फाइव है अब ये इमीडिएट सपोर्ट का, का काम कर सकता है पर अगर निफ्टी इसे सस्टेन नहीं करता तो 4900 एंड 14750 के लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो कि हमें आने वाले टाइम में निफ्टी के सपोर्ट ब्रेक करने पे देखने को मिल सकते हैं ऑलमोस्ट सेम एनालिसिस बैंक निफ्टी का भी है जो दिखाता है कि अगर बैंक निफ्टी 35,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करता है वो भी क्लोजिंग बेसिस पर तब हमें थर्टी एंड थर्टी सेवन थाउजेंड टू थर्टी टू एंड थर्टी सेवन थाउजेंड सेवन जीरो एट के नेक्स्ट क्रूशल रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल सकते हैं आज का थर्टी थ्री थाउजेंड फाइव फिफ्टी नाइन का लो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है पर अगर नहीं करेगा और ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल हमारे लिए थर्टी थ्री थाउजेंड एंड थर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टीन बचते हैं जो कि हमें बैंक निफ्टी के सपोर्ट ब्रेक करने पर देखने को मिल सकते हैं अब बात करते हैं डेटा एनालिसिस की आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर सेक्टर ने फ्राइडे की रैली में पार्टिसिपेट किया जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर टॉप कंट्रीब्यूटर था एस रिजल्ट्स के बाद टॉप गेनर में रहा निफ्टी फिफ्टी के जिसने फाइव परसेंट की मूव दिखाते हुए फोर जीरो फोर का मार्क टच किया वहीं अडानी ट्रांसमिशन निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी के टॉप गेनर्स में रहा जो कि फोर से बढ़कर फोर्टीन पर गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा टाटा मोटर्स जी एंटरटेनमेंट इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस हिंदुस्तान पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टॉक्स रहे वॉल्यूम एंड वैल्यू दोनों में ही इंडिविजुअल स्टॉक्स में वो शेयर्स जिनमें वॉल्यूम स्पाइक के साथ साथ पंद्रह परसेंट का प्राइस चेंज भी देखने को मिला वो हैं बनारस बीट्स क्रेस्ट वेंचर्स लिमिटेड थंगामेल ज्वेलरी आई आई एफ एल सिक्योरिटीज़ एंड एन बी आई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कंपनी टोटल 140 स्टॉक्स जिनमें कुछ नामी शेयर्स जैसे कि बटरफ्लाई गांधीमती एप्लायंसेज आई एफ एल सिक्योरिटीज एन बी आई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कंपनी एंड थंगामेल ज्वेलरी में स्ट्रॉग बाइंग देखने को मिली जिसके कारण इन्होंने फ्रेश 52 टू वीक हाई को टच किया फ्राइडे की रैली में एक स्ट्रांग बुली सेंटीमेंट का सिग्नल देते हुए वहीं स्टिक सिक्स स्टॉक्स ने अपने फ्रेश 52 टू वीक लो को भी हिट किया मार्केट ब्रेथ गेनर के फेवर में थी क्योंकि निफ्टी 500 स्टॉक्स में से 330 स्टॉक्स ग्रीन में क्लोज हुए 169 का इस रैली में भी लाल निशान देखना पड़ा और दो स्टॉक्स तो हिले ही नहीं इंडियन बैंक जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज़ एंड एच टॉप गेनर रहे दस से ज़्यादा के गेंद के साथ वहीं ला ओपला आर एंड हैवल्स चार से ज़्यादा गिर टॉप लूजर्स रहे टोटल 20 एफ एंडो स्टॉक्स में 50 परसेंट से ज़्यादा की डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिली जो हैं हीरो मोटोकॉप इंफोसिस एल कैम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, पी आई इंडस्ट्रीज डाबर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड एच सी एल टेक्नोलॉजीज़ गोदरेज कंज्यूमर पेट्रोनेट, एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ब्रिटानिया एम्फेसिस एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस पावर ग्रिड कोटक महिंद्रा बैंक नेस्ले इन्फो भारत फौज एंड निपोन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड हाई डिलीवरी परसेंटेज हमें सजेस्ट करता है कि इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इतनी बड़ी रैली देखने के बाद भी सिर्फ आठ स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप हुआ मतलब कि प्राइस भी इंक्रीज हुआ और ओपन इंटरेस्ट भी वो आठ स्टॉक्स हैं एम एसबीआई, एस बी आई टोरेंट पार आई सी आई सी आई बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा फेडरल बैंक मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बजाज ऑटो थ्री स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला मतलब प्राइस तो रिड्यूस हुई ही साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा गुजरात गैस पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड एलम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में शॉर्ट बिल्डअप रहा फोर्टी स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई मतलब कि प्राइस के गिरने के साथ ओपन इंटरेस्ट भी कम हुआ टॉप टेन स्टॉक्स जहां लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई वो हैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज ओरोबिंदो फार्मा बॉश लिमिटेड हैवेल्स सन टीवी, वी यूनाइटेड स्पिरिट्स, गेल डॉक्टर लालपैथ फाइजर एंड एन फाइनली 104 स्टॉक्स में खतरनाक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली मतलब कि प्राइस में इंक्रीज हुआ पर ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ शॉर्टर्स की शामत आ गई समझ लो या फिर शॉर्टर्स अपनी पोजिशन काट के चले गए टॉप टेन स्टॉक्स थे अल्ट्राटेक कोफोर्ज ल्यूपिन ट्रेंट सिपला डिविज लैब मारुति ओ भारतीय एयरटेल एंड इन्फोसिस अगर हम ध्यान दें कि शॉर्ट कवरिंग 104 स्टॉक्स में हुई है पर लॉन्ग बिल्डअप सिर्फ 8 स्टॉक्स में तो ये साफ दिखाता है कि फ्राइडे की रैली सिर्फ इसलिए देखने को मिली क्योंकि सेलर्स ने अपनी पोजिशन को काट लिया मतलब शॉर्ट कवरिंग रैली तो हो चुकी अब मार्केट में फ्रेश बाइंग होनी चाहिए जो कि लॉन्ग बिल्डअप से पता चलेगी वरना ये रैली ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है और मार्केट फिर से हमें नीचे की तरफ को देखने को मिल सकती है और मार्केट फिर से गिरने लग सकती है अब एफ आई डेटा एनालिसिस करते हैं हमेशा की तरह हमारे रिटेलर भाइयों से स्टार्ट करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स इंडेक्स फ्यूचर पर बियरिश थे पर स्टॉक फ्यूचर्स पर बुलिश थे इन्होंने थर्टीन थाउजेंड एट की नेट लॉन्ग पोजीशंस अनवाइड की पर साथ ही साथ 37,600 की नेट लॉन्ग पोजीशंस ऐड भी कर दी स्टॉक फ्यूचर में ऑप्शंस की बात करें तो स्टॉक एंड इंडेक्स ऑप्शंस दोनों में ही वो एक्सट्रीमली बियरिश थे इन्होंने कॉल ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स ऐड किए वहीं पुट्स ऑप्शन में बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स कवर भी कर लिए इन्होंने ह्यूज लॉन्ग अनवाइंड किए स्टॉक कॉल ऑप्शन में और ह्यूज शॉर्ट कवर किए स्टॉक्स पुट ऑप्शन में अब डी की चाल देखते हैं डी ने भी रिटेलर की तरह इंडेक्स पर बियरिश पोजीशन बनाई और स्टॉक फ्यूचर्स पर बुलिश पोजीशन बनाई इन्होंने थोड़ी शॉर्ट पोजीशंस ऐड की इंडेक्स फ्यूचर्स पर और स्टॉक्स फ्यूचर में कुछ शॉर्ट पोजीशंस अनवाइंड की ये भी दोनों इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शन पर बियरिश थे डी ने इंडेक्स पुट ऑप्शन में कुछ लॉन्ग पोजीशंस ऐड की और स्टॉक ऑल ऑप्शन में कुछ शॉर्ट पोजीशंस अब चलते हैं बड़े लोगों पर मतलब एफ पर एफ इंडेक्स पोजिशन पर बियरिश थे बुलिश थे पर स्टॉक फ्यूचर्स पर बियरिश इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में कुछ लॉन्ग पोजिशन्स ऐड की वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ लॉन्ग पोजिशन्स को अनबाइंड किया इंडेक्स ऑप्शन पर तो ये एक्सट्रीमली बुलिश थे क्योंकि इन्होंने इंडेक्स कॉल ऑप्शंस में लॉन्ग पोजीशन बनाने के साथ साथ इंडेक्स पुट ऑप्शंस में लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड भी किया स्टॉक ऑप्शंस पर एफ स्लाइटली बुलिश थे जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने स्टॉक कॉल ऑप्शन में कुछ शॉर्ट्स को कवर किया पर बहुत ही थोड़ी लॉन्ग पोजीशन स्टॉक शॉर्ट स्टॉक पुट ऑप्शन में ऐड की फाइनली प्रॉपर्टी डेस्क पर चलते हैं प्रोज भी एफ की तरह इंडेक्स फ्यूचर पर बुलिश थे पर स्टॉक फ्यूचर्स पर बेरिश थे इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स पर कुछ शॉर्ट पोजिशन्स कवर की पर साथ में स्टॉक फ्यूचर्स पर कुछ स्टॉक कुछ लॉन्ग पोजिशन अनवाइंड भी की इंडेक्स ऑप्शन पर तो ये एक्सट्रीमली बुलिश थे क्योंकि इन्होंने इंडेक्स कॉल ऑप्शन पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स कवर किए और पुट ऑप्शन में बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स एड किए स्टॉक ऑप्शंस पर भी ये बुलिश थे क्योंकि इन्होंने स्टॉक कॉल ऑप्शंस में भी शॉर्ट्स कवर किए और स्टॉक पुट ऑप्शंस में लॉन्ग्स को अनवाइंड भी किया अब देखते हैं कैश मार्केट्स की कहानी दोनों एफ आई एंड डी फ्राइडे को नेट बायर्स रहे एफ ने शेयर्स में बाइंग करी वो भी पाँच करोड़ से भी ज़्यादा की और डी ने 649 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग की इंडियन इक्विटीज़ के अंदर कैश मार्केट में एज पर प्रोविजनल डेटा ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस महीने ऐसा सिर्फ दूसरी बार देखने को मिला एटीनथ मई के बाद जब एफ़ एंड डी दोनों नेट बायर्स रहे अभी तक इस महीने की बात करें तो एफ ने नेट सेलिंग की है 10,467.2 करोड़ के शेयर्स की और डी ने नेट बाइंग की है ट्वेंटी करोड़ की अपनी इंडियन इक्विटी मार्केट में अब बात करते हैं ऑप्शन चेन ट्वेंटी मई की एक्सपायरी की निफ्टी से स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम कॉल ओआई 58,710 एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड टेन कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिला फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड स्ट्राइक पर जिसके बाद आती है सिक्सटीन थाउजेंड की स्ट्राइक फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टीन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ एंड फिर फिफ्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड स्ट्राइक जिसमें थर्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटीन कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है 15,700 थाउजेंड सेवन हंड्रेड स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में हमें फ्रेश ओपन इंटरेस्ट भी ऐड होते हुए दिखा वो भी नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी एट कॉन्ट्रैक्ट्स का जिसमें टोटल 38,716 का ओवाई कम्यूलेट हो चुका है मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 66,062 कॉन्ट्रैक्ट्स का 14,000 के स्ट्राइक पर ओपन है जिसके बाद 15,000 स्ट्राइक पर 61,174 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओ है और 14,500 के स्ट्राइक पर 49,536 का ओ है देखने वाली बात यह है कि 15,000 स्ट्राइक की पुट ऑप्शन में 23940 की फ्रेश ओआई एडिशन हुई है जिससे अब 15000 स्ट्राइक पर टोटल 61174 का ओआई ओपन है मैक्सिमम परसेंटेज जो ओआई में देखने को मिला वो है 16450 कॉल साइड पर और 15150 पुट साइड पर और तो और ह्यूज ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है 15000 से 15200 के जोन में पुट साइड पर मतलब कि अगर करेक्शन आती है तो ये जोन एक अच्छी सपोर्ट का काम कर सकता है तो 15,000 थाउजेंड टू 15, फिफ्टीन के जोन पे हमें नजर रखनी चाहिए हमें लगता है कि यह बाय डिप्स मार्केट है और कोई भी शॉर्ट टर्म करेक्शन या डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखनी चाहिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 46,741 कॉन्ट्रैक्ट्स का 35,000 फाइव की स्ट्राइक पर है जिसके बाद 36,000 स्ट्राइक पर 42,515 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं और थर्टी सेवन थाउजेंड स्ट्राइक पर अभी तक ट्वेंटी एट थाउजेंड नाइन नाइन्टी थ्री ओपन है थर्टी फाइव थाउजेंड स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में फ्रेश ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी देखने को मिली ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड फाइव कॉन्ट्रैक्ट्स की और ये मैक्सिमम ओ भी है होल्ड करता है फोर्टी सिक्स थाउजेंड सेवन फोर्टी वन कॉन्ट्रैक्ट्स को मैक्सिमम पुट ओ आई फोर्टी थाउजेंड सेवन थर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स का थर्टी थ्री थाउजेंड की स्ट्राइक पर देखने को मिला जिसके बाद थर्टी फोर थाउजेंड स्ट्राइक पर थर्टी फोर थाउजेंड वन फोर ओपन है एंड थर्टी टू थाउजेंड स्ट्राइक पर थर्टी थ्री थाउजेंड फोर सिक्सटी वन कॉन्ट्रैक्ट्स थर्टी फोर थाउजेंड स्ट्राइक की पुट ऑप्शन में फ्रेश ओ आई ऐड हुआ है ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड एट्टी एट कॉन्ट्रैक्ट से जिसके बाद अब ये टोटल थर्टी फोर थाउजेंड वन थर्टी फोर कॉन्ट्रैक्ट्स का ओ होल्ड करती है मैक्सिमम परसेंटेज चेंज इन ओ आई की बात करें तो 37,100 स्ट्राइक पर देखने को मिला है कॉल साइड पर और 34,700 स्ट्राइक पर पुट साइड में इनफैक्ट बैंक निफ्टी की तो ऑलमोस्ट सभी स्ट्राइक पर पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट फ्रेशली बिल्ड हुआ होता हुआ दिखा है और 34,900 से 34,200 के जोन में कॉल साइड पर जो कि बताता है कि स्पोर्ट्स अब हायर साइड पर मूव कर रही हैं अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस के बॉटम सेक्शन को देखो तो साफ़ पता चल रहा है कि हाईएस्ट परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो बहुत दूर की कॉल स्ट्राइक पर है पर पुट साइड में ऑलमोस्ट एट द मनी या नियर एट द मनी पर मतलब बिल्कुल पास में है ये बताता है कि पुट राइटर्स बहुत अग्रेसिव हैं कॉल राइटर्स के मुकाबले अभी के डेटा के हिसाब से मंडे को थर्टी नाइन कंपनीज का रिजल्ट आने वाला है जिसमें से ग्रेसिम रैमको सीमेंट और महानगर गैस भी शामिल है ट्वेंटी फिर्थ मे को भेल जिंदल स्टील नेशनल एल्यूमिनियम पी एन बी एंड सेल एफ एन ओ बैन पीरियड में रहेंगी निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स ट्वेंटी सेवन्थ मे की मंथली एक्सपायरी के चलते काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है ऑप्शन डेटा इंडिकेट कर रहा है कि इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज फोर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड से फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड की रह सकती है नेक्स्ट वीक में लास्ट वीक हमने ये रेंज दी थी फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड की और एक्यूरेसी आप खुद देख सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग Please post any questions you have in the comment section. Also, do not forget to like and share the video and subscribe to the channel. To find us on Twitter, Telegram, and Facebook, use the username niftybn. Also, we post some of our trades to the community tab, so do not forget to check that from time to time.